इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना यीशु का है। हमेशा लोक के हित कल्याण के लिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होता है। एक एक बुद्ध दुनिया में उत्पन्न होने। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस सुनन्तु सङ्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोले साधो साधो साधो। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज विशेषतः बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती उपलक्ष्य आयोजित 12वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भिक्खु विश्वानंद बोधि महाथेरो, विशेष धम्मदेशक पूजनीय भिक्खु अभय पुत्र महाथेरो, उपस्थित पूजनीय भिक्खु करुणा बोधि थेरो, पूजनीय भिक्खु बोधि रत्न, पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि, पूजनीय भिक्खु सुगतानंद और श्रमण आरोग्यन सुतानंद और रेवता प्रमुख भिक्खु संघ सामनेगण, संपूर्ण यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक समय 500 भिक्खु गण एक उपोषितागार सभागृह में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि संसार में सुख सबको चाहिए, तो सबसे बड़ा सुख क्या होगा, तो चर्चा होता है अभी सुख क्या है। बहुत बड़ा धन संपत्ति होना, बड़ा बड़ा श्रीमंत धनाढ्य होना ये सुख है। कोई कहते हैं बड़े बड़े राजा होना सुख है, हर तरह का सुख सुविधा मिलता है। कोई कहते हैं काम भोग सेवन करना सुख है, आंखों से जो मर्जी देखना वो सुख है, कानों से जो मर्जी सुनना वो सुख है, शरीर से जो मर्जी वो स्पर्श करना वो सुख है, नाक से जो मर्जी वो सुगंध लेना वो सुख है, मुंह से जो मर्जी वो खाना वो सुख है। कोई क्या सुख ऐसा चर्चा हो रहा था। उसी समय महाकारुणी तथागत बुद्ध वहां आते हैं और पूछते हैं भिक्खुगण क्या बातें चल रहे थे। भिक्षुजन कहते हैं हम सुख के विषय में बातें कर रहे थे और सुख के चर्चा करते करते हम ऐसे ऐसे चीजों को सुख कह रहे थे। उस समय महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्खु ये जो आप लोग सुख कह रहे हैं, सुख तो है पर सही मायने में वो सुख नहीं है। जीवन में सही सुख तो दूसरा ही है। तो उस समय भिक्खुगण कहते हैं भगवान कृपया करके हमें वो सुख के विषय में बताए। तब भगवान बुद्ध सारांश में एक गाथा द्वारा सुख के विषय में बताते हैं।
तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखो बुद्धानं उपादो सुखासद्धम्मदेशना सुखासंगससामग्ये समग्गानं तपो सुखो सुखो बुद्धानं उपादो। इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये सुख है। हमेशा लोक के हित कल्याण के लिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होता है। एक एक बुद्ध दुनिया में उत्पन्न होने के बाद वहां लाखों करोड़ों अरबों अरब प्राणियां दुख मुक्त होते हैं, मार्ग फल प्राप्त करते हैं, जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। इसलिए सही मायने में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखा सद्धम्म देशना, दुनिया में सही धम्म सद्धर्म सुनना ये भी सुख है। सही धम्म, धम्म के नाम पे इस दुनिया में अनेक अनेक धम्म फैला है। जो धम्म सुनने से न हमारा कल्याण होगा न पालन करने से कल्याण होगा, मगर सही धम्म सुनने को मिला तो सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, पालन करना भी बहुत बड़ा कल्याण है। तो बुद्ध कहते हैं, सही धम्म सुनना ये बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा साहब के पुण्य, हमें भगवान बुद्ध के धम्म मिला है, और ये धम्म हम जितना सुनेंगे उतना कल्याण है, जितना पालन करेंगे उतना कल्याण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सुखा सद्धम्म देशना, ये सही धम्म सुनना ये भी सुखकार है। फिर बुद्ध कहते हैं, सुखा संगस सामग्री, संग का एकजुट होना ये सुखकार है। एकजुट रहा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हाँ उसका हमेशा पावर रहता है, बल रहता है। 14 अप्रैल के दिन देखा ना, अपने लोग इतने रास्ते में निकल रहा था ये झंडा ले लेके कि जैसे पूरा देश के सम्राट हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इतना पावर। और उसके बाद कौन कहाँ क्या कहाँ गया पता ही नहीं। अगर एकजुट होता तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। अभी चुनाव भी हो गया, अपने लोग कितने कितने पार्टी में विभक्त है। अगर सब समाज एक तरफ आते तो अपने लोग कहां से कहां पहुंच जाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, एकजुट होना ये सुखकर है, एकजुट होना हमेशा कल्याणकारी रहता है। फिर बुद्ध कहते हैं, समग्गानं तपो सुखो, समग्र में साथ में रह के तप करना, आचरण करना, दुख मुक्ति के लिए अभ्यास करना ये भी सुखकर है। कभी कभी देखो ना, दान देते 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 हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, कितनी दान दे चाहता, कितना देना है तो बस चलो हो गया करके वो निराश हो जाता है। मगर दान देने वालों के बीच में रहा, दान देने वाले के समूह रहा, वो दान दे रहे मैं भी दान दूं, दान पारमिता पूर्ण होता होता रहता है। शील पालन करने वालों के बीच में रहा, वो भी शील पालन कर रहा है, मैं भी शील पालन करूं। ध्यान करने वालों के बीच में रहा तो वो भी ध्यान कर रहे, मैं भी ध्यान करूं, है ना। इसलिए सामूहिक रूप से तपस्या करना ये भी सुखकर है। इसलिए दुनिया में दान दौलत प्राप्त करना, बड़ा बड़ा घर जमीन होना, ये सही मायने में सुखकर नहीं है। उससे क्षणिक सुख मिलेगा, अंततः दुख ही मिलेगा। इसलिए सुख तो क्या है, लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। सुख क्या है, सही धम्म सुनने को मिलना सुख है। सुख क्या है, संग एकजुट होना सुखकर है। सुख क्या है, सामूहिक रूप से सही धम्म का तपस्या करना ये सुख है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। एक समय ऐसा भी होता है कि उपतिस कोलित दो परिव्राजक ने बुद्ध के एक गाथा एक उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते हैं।
दुनिया में अमृत धर्म का उत्पन्न हुआ ये जानने के बाद वो लोग बुद्ध के शरण जाना चाहते हैं, मगर उस समय वो लोग संजय परिव्राजक के शिष्य थे। संजय परिव्राजक के 500 शिष्य थे, उनमें से ये तो उपतिष्ठ कोलित परिव्राजक। तो उन लोगों ने सोचा कि दुनिया में अमृत धम्म उत्पन्न हो गया, तो मैं क्यों ना हम गुरु को भी बताएं, क्यों ना हम अपने मित्रों को भी बताएं, जितने लोग आएंगे सबको लेके बुद्ध के शरण जाएंगे। तो ऐसे में वो संजय परिव्राजक को कहते हैं कि दुनिया में अमृत धम्म का उत्पन्न हुआ है, ये जो धम्म हम पालन करते हैं सही धम्म नहीं है, दुख मुक्ति का अमृत धम्म उत्पन्न हो चुका है, चलिए हम तथागत बुद्ध के शरण जाते हैं। उस समय संजय परिभ्राजक पूछते हैं, हे उपतिष्ठ परिभ्राजक, इस दुनिया में मूर्ख ज्यादा है या पंडित ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा? वो कहते हैं दुनिया में मूर्ख अज्ञानी से भर पड़ा है, पंडित विद्वान तो एकदम थोड़ा ही है। तो संजय परिभ्राजक कहते हैं वो जो अल्प थोड़ा ही जो मूर्ख अज्ञानी है ना, मतलब थोड़ा ही वो पंडित विद्वान है ना, वही लोग तथागत बुद्ध के शरण जाएंगे, मगर दुनिया में जो बड़े मात्र में मूर्ख अज्ञानी है ना, वो तो मेरे शरण आएगा, इसलिए मैं गुरु बन चुका हूं, फिर से शिष्य नहीं बन सकता, इसलिए आपको जाना है, तो जाओ मैं नहीं आऊंगा। फिर उपतिष्ठ परिव्राजक आधा से ज्यादा मित्रों को लेके बुद्ध के शरण जाके वही तथागत बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्र मौद्गल्यायन भिक्षु बनते हैं। मतलब दुनिया में समझने वाले समझदार पंडित विद्वान बहुत ही कम है, और ना समझ अज्ञानी मूर्ख भर भर के पड़ा है। तो हम कहाँ आते हैं, हम किस में है, मूर्ख है या पंडित है? हमेशा याद रखना चाहिए। एक समय पूछते हैं धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं तो बहुत है, खूब अच्छे से सुनते भी है, ध्यान से भी सुनते हैं, क्या सभी लोग अच्छे से सुनते हैं क्या? तो उस समय कहते हैं सुनने वाले कोई अच्छे से सुनते हैं, कोई अच्छे से नहीं सुनते हैं, कोई मन लगा के सुनते हैं, कोई मन चंचल होके सुनते हैं, कोई सुनते हैं, कोई सुनने जैसा एक्टिंग करते हैं। तो दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं धम्म देशना सुनने वाला, तीन प्रकार के, आसान शब्दों में उदाहरण के साथ दिया है। एक है पानी में लिखने जैसा, दूसरा है रेती में लिखने जैसा, तीसरा है पत्थर में कूदने जैसा। धम्म देशना सुनने वाले उपास उपासिकाएं, पानी में लिखने जैसा बोले तो पानी में हम कुछ भी लिखते जाएंगे, लिखते लिखते वो मिट जाएगा। वैसे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसा भी रहता है धम्म देशना सुनते सुनते भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं रहता। अभी मन चंचल हो गया, मन एकाग्र नहीं रहा, यहाँ वहां भागते रहा, तो उसका हालत यही होना है। और रेती में लिखने जैसा, रेती में लिखेंगे कुछ समय तक रहेगा, पर थोड़ा भी हवा हुरी आ गया, थोड़ा भी पानी उसमें लग गया, वो तुरंत मिट जाता है। वैसे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसा भी रहता है, सुनने तक तो बहुत अच्छा आता है, हाँ मुझे ये भी समझ में आया, वो भी समझ में आया, खूब अच्छे से समझता है, पर जाने के बाद किसी को बताना पड़ा तो कुछ तो सुना था, क्या क्या भूल गया, कुछ समय तक रहता है। और कोई कोई उपासक उपासिका ऐसा रहता है पत्थर में कूदने जैसा, एक बार पत्थर में कूदा सालों साल तक कुछ नहीं होता, न पानी न हवा न कुछ, वैसे के वैसे रह जाता है। ऐसे ही कोई कोई उपासक उपासिकाएं इतना श्रद्धावान रहता है, इतना ध्यान पूर्वक सुनते हैं, जो जो उपदेश देते हैं वो खूब अच्छे से सुन के बैठते हैं, खूब समझ के सुनते हैं, वो समझते भी है, जरूरत पड़ा तो दूसरों को बता भी सकते हैं। तो तीन प्रकार के
धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, उनमें से हम किस में आते हैं? पानी में लिखने जैसा, रेती में लिखने जैसा, पत्थर में लिखने जैसा कुटिया है? हम कहां पे? पानी में? पानी में तो होना ही नहीं चाहिए, रेती में ठीक है, पर हमें आना चाहिए पत्थर में कूदने जैसा, क्योंकि बार 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 धम्मदेशना सुनने का मौका नहीं मिलता, और मौका मिला तो वातावरण नहीं रहता, सुनने का मनस्थिति नहीं रहता। आप थोड़ा भी बीमारी पड़े ना, पूरा मन बेचैनी, आप सुन ही नहीं पाएंगे। थोड़ा भी गर्म बढ़ गया ना, आप सुन ही नहीं पाएंगे। थोड़ा भी कहीं अपने लोगों का झगड़ा हो गया ना, सुन ही नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है सही धम्म सुनने को मिलना। इसलिए अच्छे से धम्म देशना सुनना है, हमें पंडित होना है, हमें विद्वान होना है, हमें समझदार होना है। और उतना ही नहीं, बुद्ध कहते हैं ये धम्म को हमें सबसे पहले परियति सुनना है, समझना है, उसके बाद प्रतिपत्ति, जो अच्छे से सुनते हैं समझते हैं उसको पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है, और तीसरा प्रतिवेद। अच्छे धम्म को सुनेंगे, अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करेंगे तो अच्छे परिणाम को भी हम प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। श्रोता प्रतिफल, सकदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, जो दुख मुक्ति का मार्ग फल है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धम्म को सबसे पहले तो अच्छे से सुनना है, उसके बाद जितना हो उतना पालन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और अच्छे से पालन करेंगे, परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे तो जीवन में अच्छा परिणाम भी आएगा। ये अध्यक्ष का धम्म देशना है, पांचवा धम्म देशना है। देखो सारा धम्म देशना आप लोगों को सुनने को मिला, बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य है, बहुत कुशल कर्म है। जीवन में इसी तरह का पुण्य धम्म करते हुए, खूब सारा पुण्य संचय करते हुए, यह दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म द्वारा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।